हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने डेस्कटॉप मोड के वॉलपेपर को कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग 5 या 10 सेकंड में चेंज होता है ना जो वॉलपेपर, 5-10 सेकंड में बदल गया, बंद बदल गया, ऐसे बदलते रहते हैं, वो भी करना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसको वहाँ जाने के लिए आपको अपने रिफ्रेश वाली बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, राइट वाली पे पर्सनलाइज ये खोल लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसे खोलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। मैंने यहाँ पर कुछ वॉलपेपर डाउनलोड किए हैं, इसलिए आपको कोई भी वॉलपेपर पे आप क्लिक करते हैं तो वो वहाँ पे विंडो में सेव हो जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं, पहले वो था डेल का, अब देखिए कैसा बदल चुका है। अब दोस्तों बात आ रही है सर 5 या 10 सेकंड में कैसे चेंज करें। तो दोस्तों फिर से आपको इस पर, जैसे ही मैं इस पर्सनलाइज में जा रहा हूँ, देखिए मैं पर्सनलाइज में गया और दोस्तों यहाँ पर इसे मिनिमाइज कर लेना है और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इतने सारे वॉलपेपर्स आ जाते हैं, तो इसे 10 सेकंड कर देना और यहाँ पर आपको दिखता है सेव चेंजेस, इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे क्लोज कर देना, अब देखिए 5 या 10 सेकंड में ये वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। देखते रहिए, देखिए चेंज हो गया है। दोस्तों अगर 100% ये विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 में काम करेगी। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा।